सो गाइस गुड इवनिंग आदाब सत श्री अकाल सलाम नमस्ते। मैं गॉडज़िला तलवार विद गॉडज़िला शूटर के साथ एक बार फिर से आ गया हूं एक हस्ती खिलखिलाती चमचमाती स्टीम लेके, जहां पे होते हैं आपके लिए धमाकेदार प्राइजेस। और आज हमारे साथ मौजूद है धमाकेदार टीम, मतलब ओपीआई ओवर पावर इंडोनेशियन की टीम, बेसिकली इंडोनेशिया की नंबर वन ई-स्पोर्ट्स टीम बेसिकली हमारे साथ मौजूद है। और ये साज आप लाइव नहीं देख पाए इसको, मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू था, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और लेके आऊंगा आपके लिए, अपलोड करूंगा आज रात को। सो आज रात को आ जाएगा, नो वरी। तब तक के लिए बेसिकली सारी टीमें ज्वाइन कर ले फटाफट, ओनली कितने मिनट्स लेफ्ट है। मैं चाहता हूं बेसिकली जितने भी मॉडरेटर यहां पे बैठे हो फटाफट बेसिकली चेक करें और टीम के अंदर जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए और एक बार ही चेक कर लेगा कि सब चीजें ठीक है या नहीं है। जो भी टीम आपको बाहर की नजर आती है उसको तुरंत हम बाहर करेंगे, थोड़ा सा वेट करने पे। ओपीए की टीम को पासवर्ड भेज दिया गया, वो जल्दी से अंदर आने वाले हैं। और आज बहुत सारी नई टीम्स ऐड हुई हैं, तो दिल धाम के बैठ जाइए। आज का मैच और भी टफ होने वाला है, और भी घातक होने वाला है, बोले तो और भी धमाकेदार होने वाला है। सो One more time, keep your hands together in the air for the one and only OPI Esports, our powered Indonesian basically. So इस पर guys अभी बहुत अच्छा यार, ये music ना मुझे कतई मेरे को बेकार लगता है, मुझे music इसका पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों यार सच में। अब मैं बता रहा हूँ, हमें तो music ही पसंद नहीं आया भाई। So अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे इसके अंदर कितनी बैटरी है, मतलब बैटरी इन द सेंस मेरे इसमें बेसिकली कितने वो आते हैं। तो कितनी मेमोरी है ये मुझे समझ पता नहीं, आईफोन में मतलब कितनी होती है ये तो मुझे पता नहीं, बट यस आई विल ट्राई टू चेक। पहले मैं एक बार डिस्कॉर्ड पे बंदे वेरीफाई कर लेता हूँ। कौन है टीम नंबर टीम नंबर सेवन पे कौन सी टीम बैठी है? ये क्या मेरे को होता ना, क्या कहते हैं, कहाँ पे कौन सी टीम पे बैठी है मुझे बताओ, कौन से नंबर पे बैठी है? टीम सेवन तो खाली है भाई, क्या हो गया, चढ़ गई क्या टीम सेवन खाली है यहाँ पे? खाली नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? अबे क्या मेरा वो ग्लिच कर गया क्या? पता नहीं है। आपको बंदे कितने दिख रहे? मुझे दिख रहे 35 58 है। चलो रुको, मैं एक बारी फिर अंदर से बाहर आता हूँ, एक बारी रुको, मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे लगता है मेरा ग्लिच कर गया। तो जैसे ही बेसिकली मैं अंदर आऊँगा तो मैं तुरंत हटा दूंगा, नो वरी, होप सारी चीज़ें सही जाए। सो मैं अभी जस्ट अंदर आया हूँ। तो एजी की टीम सेवन नंबर पे है ना, यहाँ पे ओएमए बैठी है ना, ओएमए का स्लॉट है, ओएमए का स्लॉट है, तो पूरी एजी को किक कर देते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, और कौन सी किक होगी पूरी? हाँ होगी। और यहाँ पे ओपीआई की टीम आ चुकी है, जल्दी से चेक करो क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप लोग ही चेक करोगे फटाफट, जल्दी से चेक करो। टीम 18 प्लेयर 3, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? 24 लेवल की आईडी है। टीम 18 प्लेयर 3 नवाब वाईटी। हाँ किक हो गया, और कोई बताओ।
सो गाइस यहाँ पे बेसिकली मैं ऊपर देख सकता हूँ, बेसिकली ओपिया की टीम यहाँ पे आ चुकी है और ओपिया की टीम भसड़ मचाने वाली है। सारे प्लेयर को एक बारी ढंग से वेरीफाई कर लीजिए, एक एक चीज वेरीफाई कर लीजिए, देखते हैं अब आगे क्या होगा। सो गाइस पीएलजी की टीम आ चुकी है, सारी टीमें लगभग लगभग आ ही चुकी है मेरे ख्याल से। मैं एक बारी दोबारा से रिफ्रेश कर ली, स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। ये पबजी का जितने ग्लिच है ना, इसकी डंडा ग्लिचिंग में ना डंडा करना चाहिए, हमें करना चाहिए इसकी ग्लिचिंग में से। गलीच है एक नंबर के भाई, गलीच नहीं गलीच है ये पबजी। सो ओपीए लीन एक्सरे एंड सैंस एंड रियल आ चुके हैं यहाँ पे और भंड मचा रहे हैं, सभी लोग सभी टीमें आ चुकी है लगभग लगभग। बेसिकली 15 हो चुके हैं, करेक्ट 3 मिनट में शुरू हो जाएगा ओपीए की, ओपीए रियल इन द हाउस गाइस। सबसे बड़ी बात बेसिकली यहाँ पे भंड मचाने का टाइम आ चुका है गौतम गेमिंग चैनल पे, 8:59 का समय हो चुका है, करेक्ट 3 मिनट में, बेसिकली 3-4 मिनट में हम ये लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि 8, 8, 9 बजे का टाइम है, तो हम 9:01 पे शुरू करेंगे, 9:01 पे शुरू करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। गॉडजिला बिंग वीक वी टू का बेसिकली डे वन यहां पे हमें नजर आ रहा है और यहां पे बंद मचाने को तैयार है बेसिकली सभी प्लेयर्स। दिल दाम के बैठ जाइए, जिस मेरे भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक ठोक दीजिए, अब सबसे पहले लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि लाइक ठोकने से ही तो मिलेगा। बाकी सारे प्लेयर्स वेरीफाई करो फटाफट जल्दी से, शूटर सारे प्लेयर वेरीफाई करो, विजय सारे प्लेयर वेरीफाई करो। एजी की दोबारा आ गई, कोई बात नहीं, एजी की टीम का स्लॉट है ना, नहीं है ना, तो सेकंड नवाब आईटी को फिर से किक कर दो, कहां पे कौन से वहां पे बैठा ये बता दो। टीम 18 प्लेयर 4 किक हो गया, ओके और कौन कौन सा है और देख लो। एजी की टीम दोबारा से आई है, चेक करो, एजी की टीम वापस चली जाएगी तो प्लीज मुझे बताना। और बाकी बताइए, नवाब वाईटी टीम 18 प्लेयर 4, नवाब वाईटी टीम 18 प्लेयर 4, मुझे वो प्लेयर 4 नहीं दिख रहा है, तो मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं एक बारी और रीस्टार्ट कर लेता हूं और बेसिकली आपके सामने लेके आता हूं, नो वरी। सो गाइज एक्चुअली क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गलीच है जैसे कि पबजी का, सो ठीक है। नवाब वाईटी प्लेयर 4, हाँ ये रहा, किक कर दिया अब उसे, ठीक है अब हो गया, ऑल वेल, सारी चीजें सही है, अब ठीक है सारी चीजें, शुरू कर दें, सॉरी प्रॉपरली चेक करो जल्दी जल्दी। सो गाइस बाकी सारा सही है, बेसिकली मैच शुरू करने का टाइम हो चुका है, एग्जैक्ट टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ पे मैच शुरू कर रहे हैं। भंड मचाने का टाइम आ चुका है, इस वक्त हो चुका है पूरा 9:03:45, आप देख रहे हैं इंडिया के सेल्फ कॉल नंबर 1 गेमिंग चैनल, दैट इज गॉडज़िला गेमिंग एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली टीम ओपीआई इन गॉडज़िला गेमिंग वीकली चैलेंज डे 2 मैच 1। यहाँ पे दोनों बॉल की टीम की बात करें, ओपीआई की टीम यहाँ पे विराजमान है, और अगर मैं बात करूं एस ओपीआई गॉडज़िला की टीम सेकंड नंबर पे बेसिकली बन मचा के बैठी है, और एनवे की टीम 4 नंबर पे बैठी है, 6 नंबर पे बेसिकली पीएलजी की टीम है, 7 नंबर पे ओएमए है, एग्जॉक्यूटिव की टीम बेसिकली यहाँ पे
आठ नंबर पे बैठी है, और मैं चाहूंगा बेसिकली एक बारी मेरी टीम में जो भी अगर कोई स्पेक्टेड में है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि हमें पता चल सकता है किस किस के माइनस पॉइंट करने, जैसे एग्जॉक्टिक के 5 पॉइंट माइनस होंगे, एनवे के 5 पॉइंट माइनस होंगे, और यहाँ पे जितने भी बेसिकली टीम जो एक एक प्लेयर मिसिंग है ना, उनके 5-5 पॉइंट सबके माइनस होंगे बेसिकली। ये तो होना ही चाहिए। सो हम पहले सिली स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके नाइस। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, बेसिकली देखते हैं कि मैप कहां पे बनता है और जोन प्लेन पाथ कहां पे बनता है। प्लेन पाथ बेसिकली यहां से जाता हुआ सिमेंट्री से होता हुआ रजो को रिएशन होकर बीच में से निकलता हुआ फार्म में से निकलता हुआ सीधा मिल्टा के साथ में होता हुआ नोपुल जाके लैंड हो रहा है। और प्लेन भी बड़ा क्लब ओपन ओएमए, ओ माय गॉड, क्लब ओपन का प्लेन, ओ माय गॉड। यहां पे बंड बचाने का टाइम आ गया है कि गॉडजिला गेमिंग के चैनल पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। थोड़ा धमाकेदार बेसिकली यहां पे सीन होने वाला है। अरे राइजिंग गॉडजिला नहीं आई भाई, क्या बात है, ये क्या था सिली? राइजिंग गॉडजिला ज्वाइन नहीं की है? ओके बंद करो, कुत्ता भौंकना बंद करो भाई, कुत्ता भौंक रहा है भाई यहां पे। सो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपी ओएमए सतन 20p का बेसिकली है यहाँ पे, मगर हमारी स्टीम चल रही है बेसिकली 720p में, जिस मेरे भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना बेसिकली। सो गाइस ओपीए लीन की बात करूं, लीन यहाँ पे हम दो नंबर टीम पे दिखाते हुए देखने वाली बात है कि कौन सी टीम कहाँ पे जाएगी। ये एक ऐतिहासिक पल होने वाला है क्योंकि ओपीए की टीम इंडोनेशियन टीम बेसिकली जो इंडोनेशिया की शान है, और आज हम अपनी शान बेसिकली कायम रखने के लिए इंडिया के यस इंडियन गॉडजिला गेमिंग वीकली चैलेंज में बेसिकली अपना हुनर दिखाने के लिए आई है। ऑल दो ही मैच खेलेंगे, दोनों मैच खेलेंगे, पहला ए नंबर भी खेलेंगे, दूसरा बी नंबर भी खेलेंगे। देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। सभी टीम बढ़ती हुई बेसिकली यश आना जाती हुई कुछ टीम, और मेंशन जाती हुई शेल्टर जाती हुई कुछ टीम, और बाकी सारी टीम रजोक में अपना जमावड़ा बिठा रही है। तो ये देखने वाली बात है कि रजोक में क्या होने वाला है। रजोक में जो बेसिकली बछड़ होने वाली है, रजोक में अपना जवड़ा बिठा चुके हैं, स्कूल में भी दो तीन टीमें गई हैं, और यहाँ पे आज सीम साइबे की कोई बात ही नहीं है। सीम साइबे की क्यों कोई बात नहीं है? बिकॉज यहाँ पे एक भी टीम कोई चल नहीं रही है। सबसे पहले TNT की लड़ाई हो चुकी है, देखने वाली बात है। ओएमए एक्ट ने बेसिकली TNT हीरो आईडी को यहाँ पे हीरो आईडी को मारते हुए बड़ी शानदारी से बंद बचा दिया, पूरा खत्म किया। यहाँ पे कॉन्टेस्ट की गोलियां पड़ रही है, शॉटगन लेके बड़े बड़ी शानदारी से यहाँ पे कल्टी हो गया भाई, निकल गया एकदम से, क्या क्या लगा रखा भाई। आर्कने बेसिकली यहां से निकलता हुआ FN की टीम की लड़ाई हो चुकी है, MOT कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग करता हुआ, MO2 की फाइट हो चुकी है, MO2 के पास चलते हैं। F1 यहां पे MO2, ओहो नॉक हो चुका है बंदा, यहां पे नॉक हो चुका है, पूरा रोटेशन मार के बेसिकली स्पार्क मोश यहां पे आगे जाता हुआ। देखने वाली बात है स्पार्क बेसिकली क्या करने वाला है, इस वक्त पूरा घर ढूंढता हुआ और पूरा किल करके खत्म करेगा, और ये पूरा मारा यहां पे UMP का बड़ा शानदार शॉट पूरा खत्म करके FN MO2 का एक बंदा पूरा नेस्ट नाबूद कर दिया। किल्स की बात करें तो फर्स्ट ब्लड बेसिकली यहां पे TNT हीरो YT का मुझे छलकता हुआ दिखा, स्पार्की रॉनी की बात करें तो उनका सेकंड ब्लड था, थर्ड ब्लड बेसिकली FN MO2 का। देखने वाली बात है कि फाइट कहां होने लगी है। अब हम बात करते हैं हमारी प्यारी OPI टीम, द वन एंड ओनली OPI टीम हु हैव shown their skills in on international level basically. They are the one of the best team in the world itself, having awesome skills, awesome capability to reach at the level of the ground. So guys, don't forget to stream. यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू टेक द सीन, बड़ बजाने का टाइम आ चुका है गॉडजिला गेमिंग चैनल पे। गॉडजिला एसओपी यहाँ पे फाइट करता हुआ, चलते हैं गॉडजिला के पास। गॉडजिला फाइटर की यहाँ पे फाइट हो चुकी है, एसओपी के एक बंदे को नॉकआउट किया है। देखने वाली बात है कि क्या होगा इस वक्त, बड़ी शानदारी से, और ये FNI बोली बेसिकली यहाँ पे सामने टीम का बॉट वाले बंदे को नॉक कर चुके हैं। देखते हैं कि क्या होगा अभी इस वक्त, बड़ा शानदार माहौल है यहाँ पे भाइयों। अगर बात करूं बॉट ने बेसिकली या बुली को मार के भाई नॉक किया, बॉट ने बहुत ताड़ बुली को मार के नॉक किया बेसिकली, पूरा खत्म किया यहाँ पे। बुली पहले जा चुका है, और स्पाइडी की बात करते हैं, स्पाइडी यहाँ पे बन मचा के खेलता हुआ। स्पाइडी और बॉट की लड़ाई, बॉट और बेसिकली गॉडजिला की लड़ाई आज यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है। आशु ओपी की बात करें, आशु ओपी नीचे गया, वाइप आउट बेसिकली शॉटगन लेके आगे बढ़ता हुआ, टीपी भी ले रहा है, जैसे ही बेसिकली सामने आएगा मेरे ख्याल से पूरा मार दिया जाएगा। देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। वाइप आउट नीचे जाके, उसको व्यू नहीं मिला नीचे जाके, बेसिकली दूसरा व्यू ढूंढने की कोशिश, देखने वाली बात है। और पहले बॉट, अच्छा साथी हाथ बढ़ाना ओ मेरे साथी। सो गाइस फाइट का सिलसिला कॉन्टिन्यूस चालू हो चुका है यहाँ पे। बॉट वाली टीम बंद मचा के लड़ते हुए, लियो YT की बात करें, लियो YT अपनी जगह बनाए हुए,
लियो वाइडी तुरंत बेसिकली यहाँ पे विराजमान है, बड़ी शानदारी से देखने वाली बात है। अच्छा, सामने वाली टीम पे तीनों प्लेयर, दो प्लेयर स्पॉटेड है बेसिकली, सामने स्पॉट कर रहे हैं, मगर देखते गए हैं कि क्या होगा। इस वक्त वक्त हो चुका है पूरा का पूरा, मैं बात करूँ तो बेसिकली 9:08 अभी टोटल मिला के 4:35 का बेसिकली यहाँ पे हो चुका है। ओएमए आरकने फिर से फाइट पे आया, ओएमए टीम आज मुझे कतई यहाँ पे फाइटिंग करती हुई दिख रही है, लड़ती हुई दिख रही है। तो गाइस देखते हैं, दिल थाम के बैठ जाइए। ओएमए आरकने ने पुश कर दिया टीएनटी पे बेसिकली, आरकने अंदर जाता हुआ और राज बेसिकली यहाँ पे पहले अंदर पहुंच चुका है। राज अपना राज का मान कर देने को तैयार, टीवी भी लेता हुआ बड़ी चाली से सामने वाली टीम की विराजमान। कॉन्टेसी गोलियों के बाद पीछे से पड़ने बेसिकली गोलियों के बाद जाए कवर फायर देता हुआ बेसिकली, पीछे वाली टीम ने एक फायर किया, कॉन्टेसी बेसिकली फायर करके यहाँ पे और शॉटगन से मारा बड़ी शानदार से, टीएनटी पूरा यहाँ पे नष्ट ना हो। डिफेंसिव टीम भी फिर से वाइड हो चुकी है, चलते हैं एफएन वाली टीम के पास। एफएन टीम यहाँ पे मैप तो लो बेसिकली, एमओ टू की बात करें, एमओ टू यहाँ पे अगर बात करूं पूरे चले गए हैं, टू बी स्क्वाड खेलना पड़ेगा इनको। पहले तो एक इनका प्लेयर ही नहीं था, तो भाई पहले तो इनके 2 पॉइंट्स, 5 पॉइंट तो वैसे ही डिडक्ट हो चुके हैं। सो एक बारी मैं चेक कर लूँ बेसिकली कि मेरी वो चल रही है ना रिकॉर्डिंग। यस यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन 15 मिनट्स की हो चुकी है, क्योंकि मैं पहली बार आईफोन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई हैव नॉट डन दिस बिफोर, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, यू विल गेट अ ऑसम व्यू। FN team is fighting 2v squad and the game with Godzilla Gaming weekly challenge tier 2 screams. So अभी कहीं भी फाइट नहीं चल रही, अगर बात करो फाइट थोड़ी थमी हुई है, मगर इस थमने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी देखने वाली बात है कि सामने की टीम क्या करती है। अभी गॉडजिला की टीम और बॉयट वाली टीम की बेसिकली फाइट होने वाली है, क्योंकि गॉडजिला की टीम का एक प्लेयर बुली, गॉडजिला बुली यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, एंड बॉड इज रेडी टू टेक द फाइट बट नीड टू वेट एंड चेक इट व्हाट्स गोइंग ऑन। Exotic Leo, Exotic Forest, Exotic Claw ID and Exotic Forest. Exotic Forest basically awesome team is playing here. Exotic की बात करें, Exotic team को अच्छा, they are having mini with 8x. Let's see. भाई क्या हो गया, बस ठीक है भाई, अब skills दिखा रहा है, ठीक है, it's okay babe, nice team. So, अगर बात करूँ सभी टीम अलग बैठी है, मैं अगर आपको OPI को थोड़ा सा zoom करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि OPI की टीम एक दो बंदे उसके लिपोको में हैं और दो बंदे तीन बंदे सॉरी लिपोको में हैं और एक ओपीआर रियल की बात करें वो मेंशन में, ही इज रोमिंग हिम देन देयर, आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू बट ही इज टेकिंग द रियल फाइट इन द गेम इटसेल्फ। होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स फाइंड आउट आवर विनर्स फॉर टुडे कस्टम रोम। एंड इफ यू टॉक अबाउट साइंटिस्ट क्लाइन यू रेडी टू टेक द फाइट एंड साइंटिस्ट गैलेरियो रैंकिंग हियर एंड देयर। Let's get the party started here. Scientist Galileo यहाँ पे काउंटर से फाइटिंग करता हुआ, सामने टीम की बात करें और गाइस एनएफटी की बात करें, एनएफटी मिस्टर मोनी यहाँ पे देखते हुए, मिस्टर मोनी की बात करें, मिस्टर मोनी बंद मचाते हुए यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। काउंटर से फाइट देता और यहाँ पे बेसिकली पूरा वो नॉक कर गया 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 यहाँ पे साइंटिस्ट मुर्मू ने एनएफटी मोनी को मारा, वही गलती बेसिकली डेडशॉट ने की, डेडशॉट ने बेसिकली सामने आके कवर दिया मगर यहाँ पे पूरी बैटरी चली गई थी, एक भी पिल पड़ा, मेरे ख्याल से गलत था डेडशॉट का बेसिकली सामने आके फाइट लेना, मगर यहाँ पे हर्ष अपनी टीम को बचाते हुए, देखने वाली बात है हर्ष क्या करते हैं। इस वक्त हर्ष अपनी टीम को रिवाइव दे रही है, सामने टीम बन बचाती हुई और मुर्मू वहां की तरफ घायल है, मुर्मू की तरफ से कवर फायर आता हुआ बेसिकली और ये साइंटिस्ट न्यूटन ने मिस्टर मोनी को पूरा खत्म किया, न्यूटन ने बेसिकली मुर्मू को बचाने की कोशिश, मगर सामने वाली टीम से एक प्लेयर आता हुआ, तो देखते हैं कि क्या होगा। मेरे ख्याल से गलत जगह से टीवी ले रहा है, सामने टीम से जीपीवी ले लेना चाहिए। स्मोक आया, स्मोक से एनएफटी अंदर गया और बड़ा शानदार नेड यहां पे, काबिले तारीफ वाला नेड में बात करूंगा बेसिकली, काबिले तारीफ वाला नेड जिससे साइंटिस्ट न्यूटन की बेसिकली बैटरी ऑलमोस्ट मतलब आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है और मुर्मू की बात करें तो मुर्मू को बेसिकली रिवाइव दे दिया गया। गिलालियो की बात करें, गिलालियो नीचे की तरफ है, कॉन्टेस्ट भी बेसिकली दिखता हुआ यहां पे। कप्तान की बात करें, एनएफटी कप्तान फुल ऑन फाइट लेने को तैयार है, टीवी भी लेता हुआ बड़ी शानदार से गिलालियो के सामने, बंड बचाने को तैयार, सामने टीम पे टीवी भी लेता हुआ, देखते हैं कि क्या होगा। इस वक्त वक्त हो चुका है पूरा 9:12:45 आप देख रहे हैं इंडिया के सेल्फ कॉन नंबर वन गेमिंग चैनल। 8:08 का मैच, 36 रन का मैच यहां पे हो चुका है बड़ी शानदारी से, बंड बच आगे बेसिकली गॉडजिला गेमिंग चैनल पे। लेट्स सी कि क्या होता है इस वक्त। लॉल कॉन्ट्रीसी फायर दिया यहां पे, मेरे ख्याल से टीपी भी लेना खतरनाक साबित नहीं हुआ यहां पर, टीपी भी लेना बेसिकली साइड साइड पे बेसिकली स्मोक किया, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो रही थी, सीधी नॉक किया NFT डेडशॉट का एक बंदे नॉकआउट है, मगर साइंटिस्ट को बेसिकली ज्यादा कुछ यहां पे NFT को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। ऑल दो कप्तान यहां पे मारे गए, साइंटिस्ट ने अपनी जगह बनाई 4 किल के साथ बेसिकली गॉडजिला गेमिंग चैनल पे। इस ओपी की बात करते हैं, इस ओपी एक बार फिर से फाइंड आउट द वे, ही फाइंड आउट द वे एंड जस्ट गिवन द टास्क टू
टीम। स्पाइडी ने बेसिकली बॉट टिश्यू पे यहाँ पे नॉकआउट किया, दो बॉट के दो बंदे नॉकआउट है। निश की बात करें या डेडशॉट की बात करें, डेडशॉट यहाँ पे चले गए और पूरा खत्म करने की फिर रहा के यहाँ पे। अरे भाई क्या एस ओपी मार दे भाई, मार दे इस भाई छे गोली में शॉटगन की प्लेयर और नॉक बंदा मारा भाई। क्या बात क्या बात क्या बात मेरी टीम, क्या बात क्या बात। बॉट वाली टीम के दो बंदे बचे, आशु और वाइट आउट बेसिकली बचे हैं। निशु निशु और डेड शॉट बेसिकली यहाँ पे चले गए। देखने वाली बात है कि क्या होने वाले, मोली फेंकने की फिर राख में यहाँ पे इजीली बेसिकली। देखने वाली बात है कि क्या होगा। बंड बचा के चैनल पे वक्त हो चुका है 9:14 मैच बेसिकली बात करें, मैच निकल चुका है 9:57 का अभी इस वक्त, और वक्त हो चुका है पूरा 9:14। ये बहुत नाइंसाफी है, ये वक्त और मैच के टाइमिंग में मैचिंग नहीं हो रही है तो हमें मजा नहीं आ रहा। 10:10 का मैच निकल चुका है। बट आशु यहाँ पे भंड मचाते हुए दोनों टीमें बेसिकली यहाँ की तरफ मौजूद है। पचौंकी में ये वही जगह है जहाँ पे फिनेटिक ने फाइट ली थी गॉडजिला से, और आज वही हो रहा है कि फिनेटिक और यहाँ पे बड़ा शानदार नेट यहाँ पे देखने को मिला है। एक नेट देखने को मिला है जो बेसिकली लियो वाइटी द्वारा फेंका गया था, जो आशु को बेसिकली लगा, ऑल्दो आधी बैटरी हो चुकी है। देखने वाली बात है कि क्या होगा। मैडॉक को यहाँ पे, अच्छा वाइपअप की बात करें, वाइपअप कॉन्टिन्यूसली बेसिकली वहां पे नेडिंग कर रहे हैं, बट कोई भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है इस वक्त। सो अभी वक्त 9:14 हो चुका है, देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। और ये वाइपअप का बेसिकली छोटा सा रोटेशन स्मोक करके दूसरी साइड जाने का प्रयास, मेरे ख्याल से अगर दूसरी साइड चले जाते तो ये खतरनाक साबित होगा गौजला के लिए, क्योंकि एक और व्यू खोल देंगे अच्छे वाला। सो लेट्स सी बॉट वाइपअप अपनी जगह बनाते हुए बड़ी शानदारी से भंड बचाने को तैयार इस वक्त। और ये गोलियों की गड़गड़ाहट से बेसिकली गूंज उठा पचौंकी, और ये लियो वाईटी बड़ी शानदारी से बेसिकली आगे जाता हुआ टीपी भी लेता हुआ। देखने वाली बात है आशु को बेसिकली स्पेक्ट स्पॉट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दोनों बंदे यहाँ की तरफ मौजूद है। वाइप ऑफ बेसिकली तैयार है, मगर वाइप ऑफ का बेसिकली जाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि वाइप ऑफ बीच की तरफ है। ऑल दो स्मोक कर चुका है, फिर भी जाने का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उसको पता है कि लियो वाईटी सामने की तरफ बैठा हुआ है। वाइप ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं, अपनी पूरी बैटरी कर रहा है और उसने सामने मेरे ख्याल से बंदा स्पॉट कर लिया है, और यस बंदा स्पॉट कर लिया और फॉल बैक लिया, और ये दोनों तरफ से गिर चुका था। कौन सी फायर यहाँ पे, स्पाइडी का मिस फायर, फिर भी तीन फायर दे चुका है। स्पाइडी का मिस फायर, फिर भी तीन बंदों को तीन फायर दे चुका है। खतरनाक साबित होगा स्पाइडी के लिए बेसिकली यहाँ पे, खतरनाक साबित होगा स्पाइडी के लिए। मैंने पहले ही कहा था खतरनाक स्पाइडी होगा स्पाइडी के लिए, ऊपर यहाँ पे उठा ही क्यों मुझे ये नहीं समझ आई। लियो वाइटी आ चुका है, लियो वाइटी देखने वाली बात है कि क्या करेगा। लियो वाइटी ने एक बंदा नॉकआउट करते हैं, वाइप ऑफ नॉकआउट है, एक बंदा और एक बंदा सिर्फ बचा हुआ है, और यहाँ पे आता हुआ बड़ी शानदार से दोनों बंदों ने मारा यहाँ पे, इजीली मार के खत्म किया। इसी के साथ बॉट वाला क्लैंक खत्म हुआ। स्पाइडी को बचाने का प्रयास लियो वाइटी का यहाँ पे सक्षम हुआ बेसिकली, और काबिलियत तारीफ बेसिकली, जिसमें चार टीम की बात करें, चार किल करके गौजिला ने अपनी जगह बनाई, जैसे कि अभी स्प्रेड वाले ओएमए टीम की बात करते हैं। फाइट होने वाली है असली बेसिकली ओपीआई टीम की। ओपीआई टीम कॉन्टिन्यूसली, अबे भाई मेरे ख्याल से ओपीआई टीम का एक प्लेयर यहाँ पे एएफके हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि ओपीआई टीम का एक प्लेयर एएफके हो चुका है। सो ओपीआई ट्राई यहाँ पे आगे जाता हुआ, देखने वाली बात है कि क्या होगा। इस वक्त जीरो किल करके लूट पूरी कर चुके हैं ओपीआई वाले, बट ओपीआई की टीम का एक प्लेयर एएफके हो चुका है मेरे ख्याल से। माइट पॉसिबली बेसिकली दे आर हैविंग द पिंग प्रॉब्लम, बट वो फॉर द बेस्ट। और लीन बेसिकली लीन यहाँ पे, ओ भाई लीन यहाँ पे भाई चमकीली गाड़ी, पिंक गाड़ी लेके आ, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या गाड़ी है, आए हाय खुदा की कुदरत। सो गाइस ओपीए लीन ने यहाँ पे गाड़ी लेकर रवाना हो चुका है। देखने वाली बात है कि क्या होगा। इस वक्त वक्त हो चुका है बेसिकली, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, 9:17 हो चुके हैं, आधे घंटे का मैच यहाँ पे ओवर होने वाला है। सो सभी टीम्स बेसिकली इकट्ठा होती जा रही है, क्योंकि जोन की बात करें तो जोन घटता जा रहा है, जोन बेसिकली क्लोज होता जा रहा है, डलता जा रहा है बेसिकली कौन अपने ही रंग में। मगर देखते हैं कि क्या होगा। इस वक्त पूरा वक्त हो चुका है 9:17, अभी बंड मचाने का टाइम है, और यहाँ पे कस्टमाइजेशन पूरी चलती हुई अपनी टीम को ग्राइंड करवाने के लिए। आपको गतका में मेरे ख्याल से जोन कहाँ बनने की उम्मीद है मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा, मगर मुझे लगता है कि क्वेरी के और गतका के बीच में बेसिकली जोन बनेगा, दैट इज द सेंटर ऑफ द जोन अभी करेंटली इफ यू टॉक अबाउट। एंड ऑल द टीम्स आर ग्राइंडिंग देयर सेल्फ टू मेक इन टू द सीन, अभी नीचे आ रही है, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। बेसिकली क्या होगा, पीएलजी की टीम की बात करें अभी तक एक भी फाइट नहीं रही, 47 की टीम की मुझे अभी तक एक भी फाइट देखने को नहीं मिली है। मैं बात करूँ एनवे की टीम के भी एक भी फाइट देखने को मिली है। ऑल दो इंस्पायर क्लैन इट्स इंस्पायरिंग बेसिकली फ्रॉम बंड मच, आगे देखने वाली बात है। आई क्लैन बाजमीरा का बेसिकली क्लैन, बाजमीरा का नहीं मेरे ख्याल से, आई डोंट नो मुझे नाम याद नहीं है, बट यस
ऐसा था मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। बाज मीरा का क्लैन था शायद से, क्योंकि मीरा अलग होने के बाद यहाँ पे आ गई थी शायद से, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सेम, सो डोंट टेक इट सीरियसली। सो ओपीआई अंदर जा रही है और सीएनएफसी की भी टीम बेसिकली राइट एंड साइड पे, सीएनएफसी की टीम को दिख गया होगा कि भाई यहाँ पे बंदे हैं ऑल दो। भाई अरे भाई ये कैसा, ये क्या भाई, ये क्या चल रहा है भाई, कितना भाई काम काय कर रहे हो भाई। कोबरा, तेरा नाम कोबरा, तू डेस ने जाके भाई काय साहब बनाए यहाँ पे। और ओपीआई की टीम यहाँ से निकल चुकी है, फाइव लेने को तैयार सामने टीम की तरफ। और रेड जोन खतरनाक मेरे ख्याल से, रेड जोन को बेसिकली सेफ ही रहना चाहिए इस वक्त। रेड जोन अभी भी बनता हुआ और आगे जाता हुआ, स्ट्रैटेजी ये है बेसिकली कि भाई सारे लोग गाड़ियां लेके आ चुके हैं और सेंटर ऑफ द जोन पकड़ने का प्रयास कर चुके हैं। मैं बात करूं तो यहाँ पे ये ओपीआई की टीम की एक अच्छी स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ, चार गाड़ियां लेके यहाँ पे चल रहे हैं और चारों गाड़ियां इजिली बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ द जोन बेसिकली पकड़ लिया है। ओह नाइस मैन, गाड़ियां अंदर, दोनों गाड़ियां अंदर लाके लगा दी गई हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो किसी ने भी कुछ किसी इनको कहा नहीं था, अपने आप ही बेसिकली अंदर आके लगा दी है। रेड हरक्लीस ने इस वक्त गॉडजिला को मारा है, रेड रेड वाली क्लैन की फाइट हो चुकी है, हरक्लीस ने स्पाइडी को यहाँ पर मारा है, नॉक किया गया, रेड वाली क्लैन की फाइट हो रही है। यहाँ पे एसओपी फुल ऑन बेसिकली फायर करता हुआ, देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। बंड मचाने का टाइम आ चुका है, एसओपी को रिवाइव दिया गया, रेड को पूरा खत्म किया गया। सात किल, बहुत ताड़। 47-8 कुड़ी दा लक, 28 कुड़ी दा देखे, 47-8 कुड़ी दा। ओएमए बेसिकली सौरभ वाइट यहाँ पे, ओ सौरभ बेसिकली बंड मचाता हुआ, सौरभ बेसिकली फुल ऑन तैयार है भाई आज फाइट वाइट लेने के लिए। सौरभ गाड़ी में बैठ चुका है, सौरभ गाड़ी में बैठ के निकलता हुआ। मैं यहाँ पे ट्रबल मेकर्स की टीम को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, ट्रबल मेकर्स हैव नॉट प्लेड, पता नहीं खेली नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आई, आई डोंट नो। बट यहाँ पे 47 की बात करें, 47 का एक बंदा नॉक्ड आउट है और यहाँ पे नॉक्ड है। और भाई भाई कहाँ बैठा है भाई, और भाई यहाँ पे नेडिंग आने शुरू हो चुके, नेड मार मार के दरवाजा तोड़ दिया गया है। और 47 दुबे जी जाके रिवाइव काहे नहीं देते अपने प्लेयर को, है बताइए। एक और नेड का सिलसिला कॉन्टिन्यूसली शुरू हो चुका है। और सौरभ वाइटी बेसिकली अंदर आने की फिराक में, सौरभ वाइटी पूरा अंदर आ रही है, देखते हैं। एक आर्क ने बेसिकली नेड करी जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, एंड आर्क ने बेसिकली नेड कर रहा है, लेट्स सी देखिए क्या करता है। सतन 20 पी बेसिकली यहाँ पे आगे जाता है बड़ी शानदार से, अगर बात करूँ सामने टीम की तरफ। और देखे दुबे जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से खतरनाक साबित हो सकता है। दुबे जी ने रिवाइव दे दिया बेल्ट को। दुबे जी रॉक्स, यो दुबे जी, डूबा डूबे हम से अरे जरा बचन और दम से। अरे दुबे जी कैसन बा, मुझे स्क्रीनशॉट आया, अभी बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे सारे लोग पूछ रहे हैं कि स्ट्रीम नहीं हो रहा। तो गाइस मैं बताइए, भाई क्या भाई कॉफिन, भाई क्या अब तक तो कॉफिन में पहुंचा देना चाहिए था बंदे को, क्या किया बे तूने यार। राज को बेसिकली कॉन्टिन्यूसली गोलियां मारी थी, मगर यहाँ पे गोलियां उनके दिल पे लगी और यहाँ पे नॉक किया गया। व्यू मिल गया 70 ओपी को, इजी व्यू बेसिकली। यहाँ पे रोटेशन मारता हुआ एक बार फिर से लाइट साइड की, रेड फ्रंट साइड की रोटेशन मारता हुआ, देखने वाली बात है टीपी मिलेगा। मगर एक जगह से एक बंदे को नॉक करके अगर तू सामने आ जाएगा तो मेरे ख्याल से खतरनाक साबित हो जाएगा। एक्ने को बेसिकली यहाँ पे, भाई क्या चल रहा है, भाई क्या चल रहा है। और ये यहाँ पे एक बंदा ऊपर आ चुका है। ओह नाइस मैन, ओ हिम्मत तो बड़ी दिखाई, मगर भाई हिम्मत तो बड़ी दिखाई थी, मगर ओएमए वालों ने वो हिम्मत को तोड़ दिया। कोई बात नहीं, ओएमए की हिम्मत बरकरार है। आर्कनिक को बेसिकली ले गया, सौरभ वाइटी नॉक्ड है, राज ऑलमोस्ट डेड है, ऑलमोस्ट बेसिकली नॉक होने वाला था, मगर फिर भी काबिली तारीफ वाली टीम, वाह हैट्स ऑफ टीम। मगर तुम लोग चले गए रे, चलते हैं हमारी ऑनरेबल ओपीए की टीम के पास। ओपीए की टीम आज की हमारी गेस्ट, द वन एंड ओनली गेस्ट, एंड इन टुडेज टीम ऑनरेबल
ओपीआई ओवर पावर्ड इंडोनेशिया, अपनी जगह बनाते हुए बड़ी शानदारी से ऑल दो तीन गाड़ियां चार गाड़ियां लेके आए हैं, अमीर हैं बड़े, दे आर वेरी मच रिच, दे हैव फोर कार्स, थ्री इन टू इन द वेयर हाउस, और यहाँ पे साइंटिस्ट बुरबुर जगह जाती हुई और ओपीआई ने स्पॉट किया बंदे बेसिकली यहाँ पे टिपी भी लेते हुए अभी इस वक्त ओपन में आने का फैसला नहीं, राइट हैंड साइड से इंस्पायर की क्लाइंट जा रहा है, देखिए इनक्रेडिबल इंस्पायर, इनक्रेडिबल है इंस्पायर, एक बारी चेक करना प्लीज, सो अभी भी टीपी भी ले रहे हैं, सीएनएफसी की बेसिकली फाइट हो चुकी है एफएन से, यहां पे सीएनएसपी की फाइट हो चुकी है, अभी की आज की ताजा खबर सीएनएसपी की फाइट हो चुकी है फैसले, यहां पे सीएनएसपी विजेता बेसिकली एक बंदा घायल किया गया और यहां पे फाल्कन है, और मैं बात करूं मेरे ख्याल से मार दिया गया सीएनएफपी ने बेसिकली खत्म। एनवे एक बारी पीछे से बेसिकली गॉडजिला गेमिंग के पिछले विनर बेसिकली बाण मचाने की बात कर रहे हैं, और इस वक्त देखिए क्या धमाकेदार समय होता है, ओ नाइस नेट शोगुन, शोगुन बंगाली बॉय, यो शॉगुन ने बेसिकली यहाँ पे नेट मारा और इजीली खत्म किया, अभी यहाँ पे दो बंदे अभी बचे हुए सीएनएफसी के दो किल अभी तक, और यहाँ पे फाल्कन और बाबा ओपी से बेसिकली हाथ धोना पड़ा, कोबरा यहाँ की तरफ मौजूद है, विजेता ओपी यहाँ की तरफ मौजूद, देखने वाली बात है कि क्या करेंगे इस वक्त लूट करते हुए यहाँ पे, मेरे ख्याल से इस वक्त एनवे की टीम को यार रश कर देना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से इस वक्त रश कर देना क्योंकि बहुत सारी टीम है, अभी भी एक बंदा और बेसिकली नेड करने की फिराक में कि अगर एक बंदा और नेड करेंगे तो शायद से कुछ निकल जाए, इंस्पायर ई स्पोर्ट्स ये सॉरी। सो यहां पे बग्गी की आवाज आई, बड़ा शानदार नेड आया मगर नेड से बेसिकली आधी बैटरी डाउन हुई नोवो की, मगर नेड की काबिलियत तारीफ वाली बात करूंगा, मॉली फेंकी गई, मॉली से कोई डैमेज नहीं मिलेगा, ऑल्दो नोवो का डैमेज बड़ा गंदा मिला था नेड से, अगर थोड़ा सा और दोनों बंदे एक साथ नेड मारते मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खत्म था, मगर दो बंदों ने एक साथ नेड नहीं मारा, एक ही बंदे ने एक नेड मारा, नोवो की आधी बैटरी रिकवर करने के बाद बेसिकली यहाँ पे खड़े हुए, देखते हैं कि जोन कहाँ पे बन रहा है, जोन थोड़ा सा और छोटा हुआ, ओपीआई ने एक बारी ओपीआई की यहाँ पे फाइट हो चुकी है, ओपीआई रियल ओपीआई लीन बेसिकली यहाँ पे नॉकडाउट है, मेरे ख्याल से इनके पिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एक बंदे को नॉकआउट किया पटेल, पीएलजी की बात करें पीएलजी की टीम यहां पे फाइट लेती हुई सामने की टीम से, देखने वाली बात है कि क्या होगा, एरर यहां की तरफ मौजूद है अभी इस वक्त, तो स्ट्रीम नहीं चल रही है मेरे ख्याल से, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, पीएलजी पीछे आता हुआ, एक्सोटम पीछे आ चुका है, ओपीए रियल ने ओपीए लीन को नेड से उड़ा दिया, भाई क्या नेड आपस में क्या मार रहे भाई, अभी आपस में क्या नेडिंग चल रही थी, अच्छा गाइज इन्होंने अपने नेट से इसलिए उड़ाया मेरे ख्याल से ताकि उसको किल ना मिले, ऐसा कुछ आई डोंट नो पता नहीं मुझे बेसिकली ओपीआई की टीम ने नेट से क्यों उड़ाया, अच्छा खासा होल्ड करके रखा है इन्होंने, और इंस्पायर की टीम इंस्पायर स्पोर्ट्स की बात करें गाड़ी में बिठाने की कोशिश मगर गाड़ी में बैठ नहीं रहे, नीचे की तरफ अभी 22 मिनट्स का मैच हो चुका है और यहाँ पे 11 टीम्स हैं, और जो यहाँ पे भी इंस्पायर की टीम की बात करूँ सारी गाड़ियाँ इंस्पायर और ओपीआई वालों ने खरीद ली है, दे आर वेरी मच रिच, इंस्पायर एंड ओपीआई हैज टेकन ऑल द गन्स ऑल द कार्स यहाँ पे ले चुके हैं, लेट्स सी, और ओपीआई की टीम को एक बार फिर से दिखाते हैं ओपीआई की टीम, अच्छा ओपीए की टीम गाड़ी लेके ऊपर आ चुके हैं, देखने वाली बात है कि क्या करेंगे अभी इस वक्त, गाड़ी लेके साइड में लगाने की कोशिश मगर यहाँ पे टीम ब्रेव की बात करें टीम ब्रेव यहाँ की तरफ मौजूद नौ नंबर टीम पे तैयार बेसिकली सामने टीम पे, रेज की टीम की बात करें रेज की टीम यहाँ पे टीपी भी ले रही है, गाइस मुझे यहाँ पे एग्रेसिव टीमें नहीं देखने को मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्रेसिव टीमें क्यों नहीं है, एग्रेसिवनेस यहाँ पे गेम में बहुत कम देखने को मिल रही है, सवाल तो लगता है आखिरी जोन में भंड होगा, होप फॉर द बेस्ट, गॉडजिला की बात करें और ओपीआई की बात करें बड़ी शानदार खेलते हुए, गॉडजिला लियो वाइटी के चार किल हैं, स्पाइडी का एक किल और एस ओपी के दो किल, बुली को बेसिकली पहले ही मार दिया गया था, गॉडजिला यहां पे आ चुका है और गॉडजिला स्पाइडी नीचे रैंक के अपनी जगह बनाता हुआ दो दो गाड़ियां लेके ये लोग भी जा रहे हैं लॉन्डे दो लोग और तीन गाड़ियां नकली मान रहे हो, एक्सोटिक और एस की एक्सोटिक आई और एक्सोटिक और इंस्पायर की लड़ाई हो चुकी है,
कॉन्टे से बेसिकली फायर कर रहे हैं, सामने की टीम से ओपीआई की फाइट आ रही है, देखने वाली बात है कि क्या होगा इस वक्त। एग्जॉक्टिव की टीम का एक बंदा नॉक आउट है यहाँ पे, हमीम यहाँ पे नॉक आउट है। क्लाव आईडी की बात करें, लियो की बात करें, दोनों बेसिकली उसको रिवाइव देने के लिए साथ में, मगर भाई एक बंदा रिवाइव दे रहा है तो दूसरा बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि अगर नेड आएगा तो खतरे से साबित नहीं होगा यहाँ पे। इंस्पायर वालों को टैप शुरू हो चुका है यहाँ पे, इंस्पायर वालों का कॉन्टिन्यूसली टैप चल रहा है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूसली टैप मारते हुए, मगर कोई फायदा नहीं यहाँ पे, टैपिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत दूर है 4S का स्कोप लगा के देखते हुए। और जैसे ही ड्रॉप लूटने के लिए कोई आएगा तो यहाँ पे ये व्यू ढूंढते हुए, अरे भाई नहीं नहीं, टीम ब्रावो अंदर बैठी हुई है पूरी भाई, और यहाँ पे फाइट आ चुकी है, फाइट लेने को बेसिकली तैयार हो चुकी है, देखिए वही बात है। और यहाँ पे अपनी टीम को कॉल दी गई है अभी इस वक्त, देखते हैं कि क्या होगा। और ओपीए रियल की बात करें, ओपीए रियल यहाँ पे, ओ दूसरा बंदा भी आ गया एकदम से कॉल देने के बाद, बेसिकली तुरंत यहाँ पे विराज बात, देखने वाली बात है, टीम ट्रेव की बेसिकली ओपीए से फाइट होने वाली है, ओपीए इज इनक्रेडिबल यहाँ पे बन बचाते हुए, देखने वाली बात है। ओपीए नीचे आ गया फाइट, अमेरिका से ओपीए नीचे फाइट लेने के लिए ही आई थी, घर को होल्ड किया ऊपर ऊपर, मेरा ना ठीक नहीं समझा, घर को होल्ड किया, जोन में आया, अपना कवर बनाया। टीम ब्रेव की बात करें, टीम ब्रेव का भी अंदर यही है, बस बेसिकली नेट पुल करके खड़े हुए, देखते हैं कि क्या होगा ऊपर वाली जगह समेटते हुए, मगर रश होने की फराक यहाँ पे साइंटिस्ट क्लैन से। और यहाँ पर रेज वालों ने रश कर दिया, रेज वालों की बात करें, रेज वालों ने रश कर दिया, लियो वाइट ने साइंटिस्ट क्लैन को बेसिकली यहाँ पे मारा है, रेज वालों ने रश कर दिया यहाँ पे बड़ी शानदारी से, बहुत शानदार नेट मारा है, और इस पर नेट मारने से कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, रेज को एक बंदे को नॉकआउट किया गया। अगर मैं बात करूं रेज लोकी यहाँ पे जाते हुए, लोकी ऊपर ऊपर जाने की फिराक में, मगर मेरे ख्याल से ऊपर जाने से खतरा हो रहा है यहाँ पे। और भाई अबे नीचे आजा जल्दी से, देख के नीचे आना था भाई पहली बारी में तो। ओपीआर रियल का नेड यहाँ पे, ओपीआर रियल का नेड लेड वाले के यहाँ पे कैसे आ गया, ओपीआर रियल ने बेसिकली सामने से नेड मारा, ओपीआर रियल ने सामने से नेट मारा और एक बंदे को नॉकआउट किया। और तो दो बंदे नॉकआउट है अमेरिका से, इतनी देर में ब्रेव वाली टीम को मौका मिल जाना चाहिए नीचे जाके फायर करने का। मुझे पता नहीं कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों फायर नहीं कर रहे, नीचे जाके क्यों नहीं रश कर रहे, क्योंकि दो बंदे नॉकआउट है, ये मौका दे रहे उनको दूसरा बेसिकली आगे बढ़ने का, और ये खतरनाक साबित होता है। लियो व्हाइट अभी एक बार फिर से प्लेक्स को बेसिकली फिर करता हुआ, देखने वाली बात है इस वक्त क्या होगा। इस वक्त टीम ब्रेव ब्रेवता से बेसिकली लड़ती हुई, साइंटिस्ट ने बेसिकली इंस्पायर वाले को मारा है, इंस्पायर ने बेसिकली साइंटिस्ट वाले को मारा है, और आइंस्टाइन ने बेसिकली इंस्पायर वाले को मारा है। अब भाई आपस में लड़ गए, कहाँ इंस्पायर वाले कहाँ पे, और यहाँ पे ऑल दो फियर बेसिकली आगे आ चुका, ओएम आ चुका हुआ यहाँ पे, इंस्पायर कैंसिल करता है, मेरे बेसिकली राज सामने आया, 1v1 की फाइट बेसिकली, और ये प्रोनेंट शूट, ओ मेरे राज का प्रोनेंट शूट बड़ी शानदारी से बेसिकली सोरो वाइटी को नॉक किया गया, पब्लिशर को यहाँ पे नॉक कर दिया गया, सामने टीम को मेरे ख्याल से कवर लेना पड़ेगा। ओएम 17 ओपी यहाँ पे आते हुए, विपुल की बात करें, विपुल जैसे आएगा बेसिकली खतरनाक साबित हो जाएगा, विपुल को यहाँ पे लेटना ही ठीक समझा, सामने से बेसिकली प्रिंस फियरलेस आ चुका है रिवाइव करने की फ्रेक, और राज को मार रहा बेसिकली यहाँ पे, दो बंदे नॉक हो चुके, 1v1 का फर्स्ट 1v1 का स्कोर वाइज क्या फियरलेस से अपनी जगह बनाई बड़ी शानदारी से बेसिकली, तीन किल, तीन बंदों को नॉक किया बेसिकली, दो बंदों को नॉक किया यहां पे। अब विपुल को अपना कमाल दिखाना है, विपुल को बेसिकली यहां पे आके अपनी जगह बनानी है, और यहां पे गॉडजिला वाले थर्ड पार्टी करते हुए पीछे से बेसिकली मार रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली फायर दे रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा। सब लोग दिल थाम के बैठ जाइए इस वक्त, दिल थाम के बैठ जाइए सब लोग इस वक्त, अभी इंस्पायर वाले एक दूसरे के बेसिकली रिवाइव दे रहे हैं, तो अभी रिवाइवल का समय चल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस एक बार फिर से यहाँ पर रेज वाले आ चुके हैं रश करने के लिए, इंस्पायर वालों पे बेसिकली यहाँ पे दूर से ही देख लिया था इन्होंने, और यहाँ पर रेज वालों को इंस्पायर वालों को अबे भाई मारना भाई रेज जाए पर बेसिकली को मारा, बेसिकली ओपन है विपुल था, विपुल को बेसिकली मारा बिना कवर के, रेज बेसिकली यहाँ पे कर रहा था, इंस्पायर बेसिकली पूरा खत्म हो चुका है, फियरलेस सिर्फ बचा हुआ है। फियरलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, फियरलेस बैटरी अपनी लगाता हुआ मेरे ख्याल से अभी तक 3 किल ले चुका है फियरलेस, कम ऑन फियर यू कैन डू समथिंग बेबी। और यहां पे बड़ी शानदारी से आया यहां पे, और ओपीए यहां पे आके, ओपीए यहां पे आके बेसिकली अच्छा स्काउट के लिए निकला ओपीए, ये देखने के लिए कि बंदे कितने हैं, कहां का बंदे हैं, ढूंढ के मारने की फिराक में यहां पे एक किल कर चुका है ओपीए अभी तक। और एक बारी फिर से चले, अभी यहां पे सामने से गया था देखने, देखते कि कौन से बंदे कहां पे, ओपीए अकेला अकेला बंदे बेसिकली अकेले अकेले किल करने का, इस अकेले के लिए चले गए, ओपीए के तीनों बंदे चले गए यहाँ पे, बड़ी चाहिए अकेला है, और यहाँ पे मार के खत्म किया गया,
गॉडज़िला वाले ने ओपीआई को मारा भाई, क्योंकि गॉडज़िला ओपी की फाइट होगी थी यहाँ पे, पूरा मार के खत्म किया गया। ब्रेव वाले यहाँ पे नॉक डाउन और दो किल कर चुके हैं, देखते हैं कि क्या होगा इस वक्त। कम ऑन एक्सोटिक, यू कैन डू समथिंग। यहाँ पे गॉडज़िला वाले आज फुल ऑन फायर करते हुए, गॉडज़िला फुल ऑन फायर पे 12 किल कर चुका है अभी तक, देखते हैं कि क्या होगा। स्पाइडी वाईटी और एसओपी फुल ऑन पावर दिखाते हुए, अपनी बेसिकली बंड पावर दिखाते हुए, देखते हैं कि क्या होगा इस वक्त। क्वांटिटी बेसिकली टैप है यहां पे एसओपी का और एक गोली लगती है, बेसिकली बहुत अच्छा स्क्वाड है, बेसिकली बहुत अच्छा यहां पे लिया, सेम पॉइंट पे बेसिकली फायरिंग की गई, पर कोई फायदा नहीं, और लेट के बेसिकली टैप फायर, मगर यहां पे भी लगी एक ना भाई, क्या लू बैक है यार, हट यार एसओपी यार, व्हेन यू हैव सीन दैट द सामने सामने वाला बंदा इज फायरिंग ऑन यू, यू कुड हैव टेकन दैट, अबे यार No man, this is a silly mistake. Can't take it in competitive dude. और ये अभी तो रिवाइव हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर इस वक्त बात करें टीम ब्रेव, टीम ब्रेव का था ही ब्रेवता से बेसिकली लड़ती हुई सामने ही टीम बढ़ मचाती हुई, ब्रेव ब्रेव को यो भाई, ब्रेव को साइंटिस्ट के अंदर बेसिकली ब्रेव और साइंटिस्ट की फाइट हुई, साइंटिस्ट न्यूटन तो यहां पे मार के नॉकआउट किया गया, मुर्मू अंदर की तरफ है, मुर्मू कम ऑन, मुर्मू एक बंदा, मुर्मू कम ऑन, मुर्मू मुर्मू कम ऑन भाई, मुर्मू कम ऑन, मुर्मू रिवाइव कर, अबे भाई मुर्मू मत कर भाई, नहीं डाल देगा मुर्मू, नहीं भाई नहीं भाई नहीं मुर्मू, मुर्मू नहीं, अरे मुर्मू भाई नहीं, ओ मुर्मू ले गया भाई, अच्छा ब्रेव भाई अपने प्लेयर को भी तो रिवाइव देगा वो, जब उसको दे रहे तो साइड मुर्मू यहाँ पे आ चुका है रोटेशन लेकर, प्लेयर बेसिकली यहाँ पे कॉन्टिन्यू फायर देता हुआ और बड़ा शानदार यहाँ पे, और मुर्मू की बंड मचा दी, मुर्मू को बहुत गंदे वाली मारी है भाई, बच गया। और इसी के साथ में साइंटिस्ट क्लैन ने अपनी जगह बनाई है 7 किल करके, बहुत है न्यूटन कहता है न्यूट्रे भाई। और आज के मैच की बात करें, आज का मैच बेसिकली तहलका मचाता हुआ और फायरिंग, और ये एक्सोटिक बाइटिंग बेसिकली यहाँ पे मारते हुए, ओ मैन भाई दूसरे प्लेयर को अंदर, भाई भाई क्या चल रहा है, इसी के अंदर कितने बंदे मारो है भाई, जोन आ चुका है और जोन बन चुका है रेज मैंडी को यहाँ पे, अब गॉडज़िला मुझे लग रहा है भाई वैसे ही जीत जाएगा भाई, जोन का एडवांटेज गॉडज़िला को साक्षरता पूर्वक यहाँ पे जोन का एडवांटेज, हमें क्लियर कट बोले तो क्लियर कट, जोन का एडवांटेज गॉडज़िला को यहाँ पे दिखता हुआ गाइस, गॉडज़िला को यहाँ पे मैं दोबारा बोलूंगा गॉडज़िला को यहाँ पे जोन का एडवांटेज दिखता हुआ, और चिकन डिनर सफलता पूर्वक यहाँ पे खाते में आता हुआ 14 किल के साथ। हाँ हाँ जी आपने सही सुना, 14 किल के साथ यहाँ पे गॉडज़िला ने किया विनर चिकन डिनर। सो बड़ा शानदार मैच था, ये काबिल तारीफ वाली बात है कि आखिर में, अगर मैं बात करूं आखिरी टीम में, मतलब आखिर में आके बेसिकली अगर भाई कोई 11 टीमें सेकंड लास्ट जो में 11 टीमें रुकी हुई है तो ये एक काबिलियत तारीफ वाली बात है। और रेज की बात करें 4 किल करके अपनी जगह बना चुके हैं, एग्जॉटेड की बात करें बेसिकली यहां पे बंड मचा चुकी है, और ये 36 मिनट के अंदर मैच खत्म हो गया, ये मुझे अजीब सा ही लग रहा है। और ये था गॉडज़िला गेमिंग का 1 वाला मैच बेसिकली, इसके बाद में हम स्ट्रीम को पॉज करते हैं फिर बेसिकली सेकंड मैच की शुरुआत करेंगे। स्कोरबोर्ड दिखा देता हूं, गॉडज़िला की टीम बेसिकली 14 किल करके अपनी जगह बना चुकी है, रेज वाली टीम के 4 किल है, एग्जॉटिक की टीम की बात करें तो 5 पॉइंट माइनस के साथ बेसिकली 5 किल अपनी जगह बना चुके हैं थर्ड पोजीशन पे। और साइंटिस्ट क्लैन की बात करें तो साइंटिस्ट क्लैन ने आज धमाकेदार पारी खेली है, 4, 5, 7, 8 किल करके अपनी जगह बनाई है चौथी पोजीशन पे। टीम ब्रेव की बात करें तो 3 किल करके अपनी जगह बना चुकी है। ओपीआई की बात करें तो 1 किल ही मिल पाया है। एनवे की बात करें बेसिकली तो 4 किल कर चुके हैं। इंस्पायर क्लैन की बात करें तो 3 किल कर चुकी है। पीएलजी की टीम की बात करें तो कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। ओएमए की बात करें 4, 8, 9 किल करके अपनी जगह बना चुके हैं। सीएनएसपी की बात करें बेसिकली 3 किल कर चुके हैं। एफएन की बात करें तो 4 किल कर चुके हैं। यहाँ पे 47 की बात करें तो बेसिकली 1 किल करके अपनी जगह बनाई है। रेड वालों को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है और -5 पॉइंट भी करवा लिए हैं एक प्लेयर शॉट होने की वजह से। बॉट वाली टीम की बात करें तो 1 किल कर चुके हैं। एनएफटी की टीम की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 0 किल करके अपनी जगह बनाई है। स्पैमएक्स की बात करें तो 1 किल। टीएनटी की बात करें तो सिर्फ एक भी किल हासिल नहीं हुआ। ये वाली स्ट्रीम हम यहीं पर ही पॉज करेंगे और फिर से आएंगे सेकंड से, तब तक के लिए जय हिंद। ये था गॉडज़िला गेमिंग का वीकली चैलेंज का पहला मैच। स्टेडियम लॉट्स ऑफ लव।